सैमसंग ने पिछले साल फरवरी के महीने में अपनी S23 सीरीज को लॉन्च किया था और इस साल जनवरी के महीने में अपनी S24 सीरीज को लॉन्च किया है। इन दोनों ही सीरीज में आपको तीन तीन स्मार्टफोन देखने को मिले थे और दोनों ही सीरीज का जो अल्ट्रा स्मार्टफोन था, अल्ट्रा मॉडल था, वो एक एक्सपेंसिव मॉडल था। सैमसंग S23 अल्ट्रा का 12 to 56 GB वेरियंट इस वक्त आपको लगभग 1,10,000 रुपये का मिलता है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का 12 to 56 GB वेरियंट इस वक्त आपको लगभग 1,20,000 का मिलता है। तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको लगभग 10,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आप इस सीरीज के स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं और आपको कन्फ्यूजन है कि दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा फोन लिया जाए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको S24 अल्ट्रा में क्या अपग्रेड मिलते हैं S23 अल्ट्रा स्मार्टफोन के मुकाबले, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और लाइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों फोन की डिस्प्ले से। वैसे दोस्तों इन दोनों ही फोन में आपको सेम साइज की डिस्प्ले मिलती है, यानी दोनों ही फोन में आपको 6.8 इंच की डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। दोस्तों इन दोनों फोन की डिस्प्ले में जो मेन डिफरेंस देखने को मिलता है वो है इनके ब्राइटनेस लेवल में। सैमसंग S24 अल्ट्रा में आपको 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, इसलिए ये जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा ब्राइट है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा से, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में आपको केवल 1750 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की डिस्प्ले में उतना बड़ा अपग्रेड देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों जो मेजर अपग्रेड देखने को मिलता है वो है इनके प्रोसेसर में। सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर मिलता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर 30% फास्ट है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर है, लेकिन दोस्तों इसका ये मतलब कतई नहीं है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर एक बेकार प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर भी बहुत पावरफुल प्रोसेसर है, लेकिन दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर के मुकाबले ये थोड़ा सा स्लोअर है। तो ऑब्वियस ही बात है आपको सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा स्मार्टफोन के मुकाबले में। और लाइक दोस्तों बात करते हैं इनको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा स्मार्टफोन पिछले साल लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड 13 के साथ में, जबकि S24 अल्ट्रा इसी साल लॉन्च हुआ है एंड्रॉयड 14 के साथ में। इन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको समय समय पर अपडेट्स मिलते रहेंगे, लेकिन S24 अल्ट्रा में आपको एक साल ज्यादा अपडेट मिलेगी, क्योंकि ये फोन इसी साल लॉन्च हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट अपग्रेड देखने को मिलता है इनके कैमरा सेंसर में। वैसे दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है, लेकिन S24 अल्ट्रा में आपको अपग्रेड देखने को मिलता है इसके पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर में। S24 अल्ट्रा में आपको 50 MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर मिलता है, जबकि S23 अल्ट्रा में आपको केवल 10 MP का पेरिस्कोप सेंसर मिलता है। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 200 MP का वाइड सेंसर मिलता है, 12 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है और 10 MP का टेलीफोटो सेंसर देखने को मिलता है। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 12 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। S24 अल्ट्रा की बैटरी और चार्जिंग में कोई अपग्रेड देखने को नहीं मिलता है, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है और दोनों ही फोन 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों यही कुछ अपग्रेड हैं जो आपको सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में देखने को मिलते हैं सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा के मुकाबले। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बाकी मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।